नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहां डिस्कस करूंगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 9,000 रुपीज। दोस्तों, यहां मैं आपको बताऊंगा ऑनर 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 8,999 रुपीज। 9,000 रुपया से कम कीमत में यह वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है इंडियन मार्केट में अभी। दोस्तों, इस बढ़िया ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स डॉट शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऑनर 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, जो अभी है 9,000 रुपया से कम कीमत में एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स ऑन द मार्केट। दोस्तों, इस बढ़िया स्मार्टफोन में दिया गया है 5.7 इंच का स्क्रीन, जिसका डिस्प्ले पैनल है GFF, और इस यूनिक डिस्प्ले पैनल का व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया होता है, साथ ही इसका कलर प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन है HD+ 720x1440 pixels, और स्क्रीन का पिक्सल डेंसिटी है 282 PPI। पिक्सल डेंसिटी कम है, फिर भी स्क्रीन बहुत अच्छा दिखता है, और साथ ही बैटरी भी बचते हैं, जो कि इस फोन के लिए बहुत जरूरी है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसमें 2 क्वाड कोर चिपसेट दिए गए हैं। पहले का क्लॉक स्पीड है 1.4 गीगाहर्ज और दूसरे का क्लॉक स्पीड है 1.1 गीगाहर्ज। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 2 चिपसेट वाले स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस हमेशा बढ़िया होता है 1 चिपसेट वाले स्मार्टफोन से। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए आप हमेशा ऐसे स्मार्टफोन को प्रेफर कीजिए जिसमें दिया गया है 2 क्वाड कोर चिपसेट। सिर्फ प्रोसेसर बढ़िया होने से कोई फोन बढ़िया नहीं हो जाता, उसमें एक बड़े साइज का रैम भी चाहिए। तो इस फोन में दिया गया है 3GB रैम, साथ ही दिया गया है 32GB इंटरनल मेमोरी, जिसमें से करीब करीब 24GB फ्री रहते हैं फर्स्ट बूट के बाद। तो एंड यूजर का हिस्सा होता है करीब करीब 24GB फर्स्ट बूट के बाद। फर्स्ट बूट से मेरा मतलब है जब आप फोन को पहली बार सेटअप करते हैं और सेटअप होने के बाद इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट बूट। तो फर्स्ट बूट के बाद आपको जो मेमोरी मिलते हैं वो होगा करीब करीब 24GB। अगर 24GB आपके लिए कम पड़ते हैं तो आप इस फोन पे माइक्रोएसडी कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोएसडी कार्ड का एक सेपरेट स्लॉट दिया गया है, तो आप उसमें 256GB तक का माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल करके इस फोन पे जितना चाहे उतना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। साथ ही दिया गया है USB OTG। दोस्तों, शुरुआत में मैंने कहा था कि इस फोन में दिया गया है 282 PPI पिक्सल डेंसिटी, जिसके कारण बैटरी बचते हैं। इस फोन में दिया गया है सिर्फ 3000 mAh बैटरी। इस फोन का बैटरी कमजोर है और बहुत ही जल्द बैटरी खत्म हो जाते हैं। मुश्किल से आपको 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप इस फोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बात करते हैं ऑनर 7A स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स की। इसके प्राइमरी कैमरा में दिया गया है ड्यूल सेंसर, पहला है 13MP और दूसरा है 2MP, साथ ही दिया गया है LED फ्लैश एंड रेगुलर कैमरा फीचर्स। आप इस फोन के प्राइमरी कैमरा से कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग। इस फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा में दिया गया है 8MP सेंसर प्लस LED फ्लैश। इस फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं क्यूट सेल्फी। दोस्तों, एक बात अक्सर देखने को मिलता है कि Huawei के स्मार्टफोन पतले होते हैं, तो ऑनर 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन की बॉडी का थिकनेस है
सिर्फ 7.8 mm और इसका वेट है 150 grams। इस फोन के पतले होने का साइड इफेक्ट ये है, इसका बैटरी कमजोर है। तो दोस्तों Honor 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन जिसमें दिया गया है 32 GB इंटरनल मेमोरी और जो उपलब्ध है 9,000 रुपये से कम कीमत में, इसके खास टेक्निकल फीचर्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों इस फोन का प्रो फैक्टर्स मैं बताऊं, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं, इसमें बहुत सारे ड्यूल फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है ड्यूल स्पीकर, ड्यूल कैमरा, ड्यूल ब्लूटूथ और ड्यूल माइक्रोफोन। सब कुछ इस फोन में डबल है, तो 9,000 रुपये से कम कीमत में इसीलिए यह फोन वैल्यू फॉर मनी है। तो इस फोन का पहला प्रो फैक्टर है, इसमें दिया गया है ड्यूल प्राइमरी कैमरा, साथ ही आपको मिलते हैं बेजल लेस डिस्प्ले और इस कारण यह फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसमें दिया गया है राइड मोड, जैसे सैमसंग का है एस बाइक मोड, साथ ही इसमें दिया गया है ड्यूल स्पीकर एंड ड्यूल ब्लूटूथ। ड्यूल ब्लूटूथ का मतलब हुआ कि एक साथ यह फोन दो डिवाइसेस के साथ थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, उसके साथ फाइल एंड डेटा शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसमें दिया गया है डबल माइक्रोफोन, तो आप इस फोन पे जब भी बात करेंगे तो दूसरे तरफ जो भी आपके कॉल को रिसीव कर रहे हैं उनको बहुत ही क्लियर साउंड मिलेगा मिनिमल बैकग्राउंड नॉइस के साथ। जहां तक कॉन्स की बात है, इस फोन का बैटरी लाइफ मीडियोकर है, जैसा कि मैंने कहा बहुत जल्द बैटरी खत्म हो जाते हैं अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हमेशा एक पावर बैंक अपने साथ रखना पड़ेगा अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो। साथ ही इस फोन के प्राइमरी कैमरा के साथ दिया गया LED फ्लैश उतना दमदार नहीं है और इसके कारण कम रोशनी में फोटोग्राफी के लिए Honor 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन उतना परफेक्ट ऑप्शन नहीं है 9,000 रुपये से कम कीमत में। दोस्तों इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड्स एंड बैड्स, Honor 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन जिसमें दिया गया 32 GB इंटरनल मेमोरी और जो उपलब्ध है 9,000 रुपये से कम कीमत में, इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। अगर आपका बजट है 8,000 से 10,000 रुपये के बीच में तो आप Honor 7A ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन को जरूर कंसिडर कीजिए। इसमें बहुत सारे एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं और इस फोन को देता है एक स्पेशल स्टेटस। दोस्तों अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।